हेलो दोस्तों, मैं हूं नवरत्न। आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस किस प्रकार फैलता है और इसका रोकथाम क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसी के साथ में बने रहिए, आज हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस को क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। क्षय रोग, क्षय रोग, तपेदिक, या श्मा रोग से भी जाना जाता है। बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस की। ट्यूबरकुलोसिस का जो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है। इसी की बात करते हैं टाइप की, तो ये टू टाइप की होती है। एक होती है पल्मोनरी पल्मोनरी टीबी, दूसरी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी अधिकतर लंग्स को प्रभावित करती है। इसी के साथ में क्या है कि ये सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिजीज से उसी उसी प्रकार से ये उसी को प्रभावित करती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ये जो डिजीज है अधिकतर लिम्फ नोड को, जो लिम्फ नोड को ये प्रभावित करती है। वहीं से ये क्या है कि स्किन डिजीज है, स्किन टीबी है, या फिर लिम्फ नोड टीबी है, उसी प्रकार से इसका ये है। आज हम बात करेंगे पल्मोनरी टीबी की। पल्मोनरी टीबी की बात करेंगे इसी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में पल्मोनरी टीबी के केस पाए जाते हैं। इसी प्रकार भारत में मिलियन लोग टीबी से प्रभावित है और वही बहुत सारों की तो मौत हो जाती है। इसी की बात करते हैं कोज की, क्योंकि किस प्रकार फैलता है इसका कोज की बात करते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है। जो इसका कोज है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो तो इसका बैक्टीरिया है। फैलता किस प्रकार है? तो स्मोकिंग, जो अधिकतर इंसान जो स्मोकिंग करता है, जैसे सिगरेट पीता है, गांजा पीता है, किसी भी प्रकार का स्मोकिंग करता है, उसमें ये टीबी देखने को अधिकतर, क्योंकि लंग को प्रभावित करता है, तो ये अधिकतर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें पैचेज हो जाएगा उसी का लंग्स में, तो उसका टीबी होने का चांस सबसे ज़्यादा है। वायरल इन्फेक्शन, या किसी प्रकार की वायरल डिजीज हो गई, जिसमें रेस्पिरेटरी डिजीज हो गई, तो उसी में टीबी देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांस बढ़ जाता है, जिसकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, तो उसी में वायरल डिजीज होने से, या वायरल इन्फेक्शन डिजीज होने से ये बढ़ने का चांस रहता है। इसी के बाद में लंग डिजीज, किसी को लंग डिजीज है तो उसमें बढ़ने का चांस, टीबी बढ़ने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। इसी की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया, जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले अधिकतर लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ये टीबी पाया जाता है, क्योंकि अभी भारत में सर्वे के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो टीबी पाई गई है वो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा पाई गई है, क्योंकि वहाँ पर दूषित पानी, दूषित हमने हवा और दूषित धुआं के कारण सबसे ज़्यादा सीमें पाई गई। इसी के अलावा चूल्हे पर जो खाना बनाते हैं उसी में भी टीबी का सबसे ज़्यादा पाया गया, जो जैसे चूल्हा फूकते हैं उसी में ये टीबी का सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो भी लंग्स डिजीज को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, इसी से उसमें बहुत सारा देखने को मिलता है अधिक। इसी की बात करते हैं इसका साइंस सिम्टम की। साइंस सिम्टम सबसे बड़ी बात ये है कि 2 हफ्ते तक कग रहना, या 6 महीने तक खांसी रहना, या 2 महीने तक कग, जो कग आता है उसी में बदबू, तेज बदबूदार कग आना, उसी का साइन सिम्टम है। इसी के अलावा बात करते हैं कि कई बार ब्लड कग में ब्लड आना, या फिर स्पूटम में ब्लड आना। बात करते हैं वीकनेस की, तो इसमें वीकनेस यानी कमजोरी सबसे ज़्यादा हो जाती है। टीबी होने के बाद में इंसान कमजोर होने लगता है, तो उसका ये अधिकतर साइन या साइन सिम्टम देखने में मिलेगा। वेट लॉस हो जाएगा, या फिर फीवर आने लग जाएगा, बार बार फीवर रहेगा, या फिर उसका नाइट में बहुत ज़्यादा तेज पसीना रहेगा, इसका ये साइन सिम्टम सबसे ज्यादा। बात करते हैं डायग्नोस की, जो अर्ली डायग्नोस है
अर्ली डायग्नोस है वो है मॉन्टेक टेस्ट। अगर आपको टीवी का साइन सिम्टम लग रहा है तो सबसे पहले मॉन्टेक स्किन टेस्ट, जो क्या है कि आम के ऊपर स्किन के अंदर मॉन्टेक टेस्ट किया जाता है। इसी के अलावा एक्सरे, स्पूटम टेस्ट, ब्लड टेस्ट और साथ साथ अगर ज़्यादा है तो सीटी स्कैन करवाना। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में अर्ली डायग्नोसिस इसका एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक के बाद में अगर उसी में सबसे ज़्यादा टीवी का जो लक्षण दिखाई दे रहा है तो उसी में डॉट थेरेपी। डॉट थेरेपी में भी अलग अलग, जिसका 6 मंथ है, अर्ली डायग्नोस है, जिसमें जैसे HRZE या HRE उसी प्रकार से, और इसी के अलावा वैक्सीनेशन, BCG वैक्सीनेशन। इसी के अलावा फिर इसका जो टीवी का जो डोज थेरेपी है उसी में जो आइस्ट्रोनाजाइड, रिफाम्पाइन या एथाम्बुटोल या पेरेनाजामाइड और रिफेमेटामाइन। इसी के अलावा इसका कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, या टीवी के जो डोज थेरेपी क्या है या डोज थेरेपी के साइन सिम्टम, अधिकतर जो साइड इफेक्ट है वो अधिकतर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें बहुत सारे को वीकनेस होना, नोजिया वोमिटिंग होना, डायरिया होना। इसी के अलावा स्किन में पैचेज पड़ना, रेसेज होना, सिकुड़ जाना, स्किन को सिकुड़ जाना। इसी के साथ में स्किन में खुजली होना या जैसे जॉइंडिस होना या स्किन में पैलपन होना और यूरिन के साथ में पीलापन या डार्क यूरिन आना, उसका एक कॉम्प्लिकेशन है। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, यानी रोकथाम की। तो इसका रोकथाम क्या है, तो रोकथाम की सबसे बात करते हैं, रोकथाम की बात करते हैं। अगर किसी को 6 महीने से अधिक खांसी रहती है, उसको अगर फर्स्ट में उसको खांसी का इलाज करवाए, उसी के साथ में कोई इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहा है तो उसका मास्क या इम्यूनिटी पावर बढ़ाए या मास्क लगा के काम करे, उसी का इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का सबसे ज्यादा। उसी के साथ साथ किसी में टीबी हो गई, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, किसी में टीबी हो गई है तो उसको क्वारंटाइन करके उसको रोकना, क्योंकि एक दूसरे में ये फैलने के चांस सबसे ज़्यादा रहता है, तो उसको रोकना। उसी के साथ में किसी भी प्रकार, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में या किसी कोई चूल्हा, गैस चूल्हा फूंक रहा है तो उसी को रोकना। उसी के साथ साथ में स्मोकिंग को कम करना, इसी का यह है रोकथाम। इसी